ये मेरे पास एक मोबाइल फोन है रियलमी का C11। इस मोबाइल फोन के अंदर लॉक लगा है। क्या लगा हुआ है? लॉक लगा है, पासवर्ड लॉक लगा है। इस पासवर्ड लॉक को हम लोग क्या करेंगे, अनलॉक करना सीखेंगे कि कैसे हमारे मोबाइल फोन के अंदर लॉक को खोलते हैं। आज जो मेनली जो सीखने वाले हैं ये अनलॉक टूल के बारे में सीखने वाले हैं। अनलॉक टूल के माध्यम से यदि कोई भी ओप्पो रियलमी के मोबाइल फोन आते हैं उसके अंदर लॉक लगा होता है तो उसको कैसे खोलते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं। सबसे पहली बात क्या है, जितने भी मोबाइल फोन आते हैं उनमें सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करने के लिए मेन चीज जो देखना होता है वो होता है उसका सीपीयू, देखना बहुत जरूरी है। सीपीयू के बाद ब्रांड, जैसे उसके अंदर सीपीयू कौन सा लगा हुआ है ये पता होना चाहिए। दूसरी बात पता होना चाहिए ब्रांड कौन सा है, मतलब ओप्पो रियलमी वीवो एमआई कौन सा फोन है, ठीक है। अब मान लीजिए रियलमी का मोबाइल फोन है, सीपीयू कौन सा लगा, इसको पता करने के लिए मैं आसान तरीका बताता हूँ। इसके लिए आपको डिवाइस मैनेजर में जाना पड़ेगा। कहाँ पर जाना पड़ेगा? डिवाइस मैनेजर में जब आप चले जाएंगे तो डिवाइस मैनेजर में इस मोबाइल फोन को कनेक्ट करा के देखेंगे। कनेक्ट कराने के बाद ये मोबाइल फोन किस नाम से पोर्ट बनाता है, जिस नाम से पोर्ट बनाता है ये उसी कंपनी का मोबाइल फोन है, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, लॉक लगाया। इस लॉक को खोलने का तरीका हम लोग सीख रहे हैं। पहले फोन को हमने क्या किया, बंद किया, ऑफ कर लिया। ऑफ करने के बाद डाटा केबल लिया। हमारे सिस्टम के अंदर जितने सारे ड्राइवर हैं, जो भी सारे सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होने चाहिए ताकि हमारा फोन प्रॉपरली अच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाए। देखिए हमने यहां पर लिया, देखिए ऐसे पोर्ट बनाता है। अगर आप लोग देखेंगे तो जितने भी मोबाइल फोन आते हैं तो सारे मोबाइल फोन में यहां पर ऐसे पोर्ट बनाता है। क्या पोर्ट बनाता है ये? इस पोर्ट से आपको यह पता चलता है कि आपका मोबाइल फोन कनेक्ट हो गया। क्या पता चला? यहां लिखा SPRD, इससे यह पता चला कि आपके अंदर SPD CPU लगा हुआ है। और COM3 से आपको यह पता चला कि कंप्यूटर ने इसको कनेक्शन नंबर 3 दिया है ताकि जब आपका सॉफ्टवेयर चलेगा तो सॉफ्टवेयर चलते समय यहां भी कॉम लिख करके आता है। तो अगर यहां भी COM3 ही लिख के आता है तो इससे आपको यह समझ में आएगा कि आपके सॉफ्टवेयर ने आपके मोबाइल फोन को ही पकड़ रखा है। वरना सॉफ्टवेयर थोड़ी ना बोलेगा कि मैं रियलमी का फोन लॉक खोलने जा रहा हूं, वहां तो कम्युनिकेशन नंबर लिख के देगा। जैसे आपने कहा बैंक में गए, बैंक में बोलो पैसा निकाल दो हमारा, तो वो आप नाम बताओगे तो नाम नहीं चाहिए उसको, उसका नंबर चाहिए, अकाउंट नंबर चाहिए। जैसे अकाउंट नंबर डालोगे तो अकाउंट नंबर देते ही डिटेल समझ जाता है, क्योंकि कंप्यूटर हमारा अंग को समझता है, नाम फोटो को नहीं समझता। उसके हिसाब से फिर वो मैच कराएगा तब वो देखेगा। तो इसीलिए क्या रहता है कि वो हमारा जो उसका जो COM3 जो नंबर है उसके हिसाब से उसको समझ जाएंगे कि ये फोन हमारा कनेक्ट हो गया। SPRD से ये समझ में आ जाएगा कि आपके मोबाइल फोन में CPU कौन सी कंपनी का है, SPD कंपनी का CPU है। चलिए अब आपने इतना देख लिया, मोबाइल फोन कनेक्ट हो जाएगा ये भी समझ गए। अब आपको मोबाइल फोन में लॉक खोलना है के लिए रियलमी का फोन है तो ओप्पो रियलमी में एक ही ऑप्शन आता है। किसका आता है? ओप्पो रियलमी में एक ही ऑप्शन आता है। यहां पर जब आप जाएंगे तो यहां पर बहुत सारे मॉडल आते हैं। बहुत सारे मॉडल आने का मतलब यहां पर जाएंगे, यहां पर आप टाइप करेंगे C11। जब C11 टाइप करेंगे तो C11 में मैं बताना चाहता हूं कि C11 में ऐसे कहानी है कि C11 के अंदर MediaTek भी CPU और C11 के अंदर SPD भी CPU है। अगर आप देखेंगे तो ऊपर लिखा हुआ है रियलमी C11 MT, MT का मतलब MediaTek, नीचे लिखा है रियलमी C11 MT MediaTek, उसके बाद लिखा है रियलमी C11 2021 और इसमें लिखा SC का मतलब स्पेक्ट्रम। और अगर QC लिखा होता तो क्वालिकम, ठीक है, तो SC से क्या समझ में आ जाएगा, स्पेक्ट्रम। तो आपने देखा कि भाई मेरे मोबाइल फोन में तो SPD का CPU का पोर्ट बनाए थे तो हम लोग काय को लेंगे SPD। जैसे ही आप देखो यहाँ पे फंक्शन क्लिक करते हो, देखिए यहाँ पर फंक्शन में चेंजेस होते हैं। बोला अब इसके अंदर लॉक लगा है, FRP हटाना तो FRP बता दीजिए। अब लॉक लगा तो हम लोग क्या करेंगे, SPRD फैक्ट्री रिसेट पे क्लिक करेंगे, वो बोलेगा फोन कनेक्ट कराइए, डिवाइस कनेक्टेड। अब आपको क्या करना है, डाटा केबल लेना है, प्लस माइनस बटन दबाना है,
प्लस माइनस बटन दबाते ही मोबाइल फोन को ऐसे कनेक्ट कर देना है। ये देखो कॉम थ्री कनेक्ट हो गया, कॉम थ्री समझ में आ गया आपका, फोन कनेक्ट हो गया। ये फॉर्मेटिंग, फैक्ट्री रीसेट, डन, और आपका ये मोबाइल फोन चालू हो गया। जब चालू हो गया तब आप मोबाइल फोन को हटा लीजिए। अब ये मोबाइल फोन चालू होने के बाद क्या होता है ये आगे देखेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। ये फोन को ऐसे रख दीजिए, हाँ पकड़ लो। आप देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये समरी है, इसको क्या बोलते हैं, पहले सिलेक्ट प्लेटफॉर्म SC मतलब स्पेड SPD CPU, कनेक्ट वॉल्यूम डाउन के कनेक्ट होगा, कॉम थ्री बना दिया मतलब कॉम थ्री वहां बनाया था, यहाँ बना लिया मतलब हमारा ही फोन कनेक्ट हुआ है, ओके SPRD, ओके प्री लोडर, ओके रियल मैन्युफैक्चरिंग रियलमी RMX 3231 मॉडल नंबर है, एंड्रॉयड वर्जन 11 है, सिक्योरिटी कौन था 5/8/2022 की सिक्योरिटी है, मतलब 2022 जो सन था उसी सिक्योरिटी पैच है इसके अंदर, बिल्ड नंबर इतना है, 23/18/18 को ये बना था, 2022 इतनी तारीख को मोबाइल फोन बना था, तो वर्जन है, इरेजिंग FRP ओके, इरेजिंग यूजर डाटा ओपे, मतलब इसने FRP और यूजर डाटा सबको क्या कर दिया है, खाली कर दिया है। जैसे आपको खाली कर दिया है तो आपका मोबाइल फोन पूरा चालू हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्क्रीन में भी इरेजिंग जैसा बन के आ जाता है, अब पूरा आपका मोबाइल फोन क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन के लॉक को आसानी के साथ में क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। ये हम लोगों ने एक मोबाइल फोन पे लाइव प्रैक्टिकल किया है कि ये मोबाइल फोन लॉक लगा हुआ था, इसको हम लोगों ने खोला। ऐसे मोबाइल फोन का लॉक खोलने का मार्केट में 150-200-250 रुपए तक का खर्चा एक्सपेंस लिया जाता है, और जबकि लॉक खोलने में हमारा कोई पैसा नहीं लगता, बस खाली हमारा सिर्फ वन टाइम का एक बार का इन्वेस्टमेंट होता है कि एक बार हमारा पैसा लगता है जो हम सॉफ्टवेयर टूल वगैरह लेते हैं, उसके बाद उसके माध्यम से हम जिंदगी में जितना जाओ उतना मोबाइल फोन खोलो, लॉक खोलो, ठीक। ये मोबाइल फोन देखिए पूरा चालू हो गया। अब आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, इंडिया ले लेंगे, स्किप कर देंगे, जितने भी सारे ऑप्शन होते हैं सेटअप ऑफलाइन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, जितने भी सारे ऑप्शन होते हैं सारे ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे स्किप करने के लिए, वरना यहीं पर FRP मांगने लगता, FRP भी टूट गया है, स्किप का ऑप्शन आ गया। जब लॉक खुल जाएंगे तो सारे ऑप्शन स्किप आ जाएंगे, नहीं लॉक खुलेंगे तो स्किप का ऑप्शन नहीं आएगा। तो ये हमारे मोबाइल फोन में लॉक खुल गया। इस तरीके से जो भी मोबाइल फोन आते हैं, रियलमी के मोबाइल फोन आते हैं, उस रियलमी के मोबाइल फोन को हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉक खोल सकते हैं। तो इसका तरीका आपको पता चला, आपके पास कोई भी ओप्पो वीवो रियलमी कोई भी मोबाइल फोन आएगा तो सारे मोबाइल फोन को लॉक खोल सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, सॉफ्टवेयर करते समय मैं सॉफ्टवेयर के कुछ नियम आपको समझाना चाहता हूँ एक बार फिर से। सॉफ्टवेयर करते समय कोई भी कस्टमर आपके पास मोबाइल फोन लेकर के आता है और ये कहता है कि भाई हमारे इस मोबाइल फोन का लॉक खोल दीजिए, उसने तो आपको समस्या बता दी कि लॉक खोल दीजिए, तो तुम क्या करोगे, तो तुमको सोचना पहले क्या पड़ेगा कि तुम पहले फोन लो, फोन लेने के बाद आप उस मोबाइल फोन को कंप्यूटर से ऐसे ही कनेक्ट करो, क्या करो, ऐसे कनेक्ट, सॉफ्टवेयर तो बाद में डालो, CPU कौन सा, ये कौन सा, वो कौन सा, फलाना ढिमका बाद में, पहले ऐसे ही कनेक्ट करो। जब ऐसे ही कनेक्ट करोगे तो ऐसे टुंग टुंग की आवाज आएगी, आती है ये टुंग टुंग की आवाज से आपको ये समझ में आता है कि आपका मोबाइल फोन कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहा है। जब आपका मोबाइल फोन कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहा है तभी तो सॉफ्टवेयर कर पाएंगे, जब कनेक्ट ही नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर कैसे कर पाएंगे। फिर उस मोबाइल फोन में अगर वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, टुंग टुंग की आवाज नहीं आ रही है, दूसरा फोन में आ रही है उसमें नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर के अंदर ड्राइवर है कि नहीं है ये कंप्यूटर ही तो बताएगा, कंप्यूटर बताएगा, ड्राइवर होगा तो बताएगा, नहीं होगा तो बताएगा। लेकिन ये कनेक्ट होना ये सबसे पहला प्रोसेस है। तो ज्यादातर जो पहले मोबाइल फोन हमारे पास लॉक खुलवाने के लिए सॉफ्टवेयर कराने के लिए आते हैं, तो पहले तो हम ऐसे ही लेते हैं और फोन को ऐसे ही कनेक्ट करते हैं,
और यहाँ पर जब कुछ लहर जैसी आती है, टुंग टुंग की आवाज आती है, तो हम समझ जाते हैं कि हमारा फोन कंप्यूटर से, अगर नहीं आती तो आप समझ जाइए या तो डाटा केबल खराब है या तो इसका यूएसबी जैक खराब है। अगर यूएसबी जैक खराब हो जाएगा तब भी तो आपका फोन कनेक्ट नहीं होगा, तो पहली बात तो बोलना पड़ेगा भाई इसका यूएसबी जैक खराब है, सॉफ्टवेयर डलेगा, इसका जैक पहले डलेगा, जब जैक ठीक होगा तब सॉफ्टवेयर डलेगा, या तो आप खुद ही डाल दो ना बताओ उसको, एक साथ खर्चा बता दो पूरा। और अगर जब कनेक्ट नहीं होगा तो कोई भी आदमी सॉफ्टवेयर लॉक नहीं खोल सकता ना सॉफ्टवेयर डाल सकता है, क्योंकि कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, वो कैसे कर पाएगा। तो पहली चीज ये देख लिया। उसके बाद आपके कंप्यूटर के अंदर सारे सॉफ्टवेयर होते ही है, आप मोबाइल फोन लो उसको प्लस माइनस दबा करके डाटा केबल लगा दो, इससे क्या होगा आपके मोबाइल फोन में यहाँ पर कनेक्टिविटी बनेगी, कनेक्टिविटी बनने के बाद वो पोर्ट बनाएगा। अब वो मीडियाटेक का बना रहा है, क्वालिकॉम का बना रहा है, एसपीडी का बना रहा है, क्या बना रहा है। अब आपने देखा उसने एसपीडी बना दिया, तो एसपीडी बनाते ही आपके दिमाग में ये समझ में आ जाएगा भाई इसमें एसपीडी वाला तरीका होगा, और कोई क्वालिकॉम मीडियाटेक वाले तरीके में ना तो करेंगे ना तो मीडियाटेक क्वालिकॉम के तरीके में घुसेंगे, क्योंकि रिपेयरिंग हमारी सीपीयू के हिसाब से होती है। अब आपने देखा कि इसने जो पोर्ट बनाया एसपीडी का, कायका पोर्ट बनाया, तो एसपीडी का पोर्ट बनाते ही आपके दिमाग में ये आ जाती है कि आपको एसपीडी वाला प्रोसेस ओपन करना पड़ेगा। अब एसपीडी वाला प्रोसेस चाहे डोंगल में करें, चाहे दूसरे टूल में करें, चाहे किसी में ही करें, आप उस प्रोसेस को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जैसे उस प्रोसेस को, जब उस प्रोसेस को ओपन करेंगे तो प्रोसेस ओपन करने के बाद क्या करेंगे, उसका यूटिलाइज करेंगे, क्या करेंगे यूटिलाइज करेंगे। तो सीपीयू पता होने से तुमको क्या पता चल जाएगा, काम करने का तरीका क्या, उसमें काम क्या करना है। फिर उसके बाद आपके पास मॉडल कौन सा आता है, ओप्पो आता है, वीवो आता है, रियलमी आता है, टेक्नो, लावा, कार्बन, नोकिया, सैमसंग, जो भी फोन होते हैं आप उसके हिसाब से आप उसमें काम करेंगे। ज्यादातर सैमसंग के मोबाइल फोन में सैमसंग के हिसाब से काम हो जाता है, बाकी सैमसंग के अलावा अदर जितने मॉडल आते हैं, MI, ओप्पो, वीवो, रियलमी, टेक्नो, लावा, कार्बन, इन्फिनिक्स, इंटेक्स, जो भी मॉडल आते हैं वो सारे मॉडल के अंदर सीपीयू के हिसाब से ही काम होता है। किसके हिसाब से काम होता है, सीपीयू के हिसाब से काम होता है। आमालिया मेरे पास जो मोबाइल फोन था एसपीडी का तो पोर्ट बनाया था, लेकिन ये फोन था किसका, रियलमी का। तो रियलमी का जो ऑप्शन होता है ओप्पो के अंदर आता है, तो हम लोग ओप्पो में चले गए। जब ओप्पो में क्लिक कर देंगे तो ओप्पो के तौर तरीके खुल जाएंगे। अब ये कहेगा भाई ओप्पो का कौन सा मॉडल है। अब ओप्पो के अंदर जो हमारा जो भी मॉडल आता था, जैसे C11, तो C11 चले गए। C11 के अंदर एसपीडी ले लिया, एसपीडी के अंदर उसको क्लिक कर दिया, और जब यहाँ पर ऑप्शन चालू हो जाएगा तो फोन कनेक्ट करा देंगे, आपका पोर्ट बना लेगा, फोन कनेक्ट होगा, फोन फॉर्मेट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर डल जाएगा। तो सॉफ्टवेयर डालते समय जितने भी सारे लोग होते हैं, तो रिपेयरिंग करते समय 5 बातों का ध्यान रखते हैं। पहली चीज कनेक्टिविटी, दूसरा चीज सीपीयू, तीसरा उसका डिवाइस मैनेजर में कनेक्टिविटी देख लें, कनेक्ट हो रहा है कि नहीं कनेक्ट हो रहा है। अगर ना कनेक्ट हो तो परेशान ना हो, पहले कनेक्टिविटी कराएं। उसके बाद चौथा चीज, जब आपका कनेक्टिविटी और सीपीयू पता चल जाएगा तो तुम्हारे दिमाग में यह पता चल जाएगा कि तुमको कौन से प्रोसेस में घुसना है, क्वालिकॉम में घुसना है कि मीडियाटेक में घुसना है कि एसपीडी में घुसना है। उसके बाद जिस प्रोसेस में समझ में आ जाए उसी प्रोसेस में घुस जाओ, ओके कर दो, लॉक खुल गया। इतने 5 ऑप्शन को क्या करने होते हैं, यूज करने होते हैं। जैसे आप यूज करेंगे तो आपके मोबाइल फोन लॉक खुल जाएगा, सभी मोबाइल फोन में। ये खाली मैंने एक मोबाइल फोन का आपको लॉक खोल करके दिखाया है, ये एक एग्जांपल है। इसी तरीके से आपके पास जो भी दुनिया जान के मोबाइल फोन आते हैं, सारे मोबाइल फोन का हम लोग इसी तरीके से लॉक
खोलते हैं। क्या कह रहे हो? पोको है तो पोको तुम्हारे एमआई में खुलेगा। किसमें खुलेगा? एमआई के अंदर आता है। पोको का ऑप्शन एमआई में आ जाता है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने दोस्तों जितने भी सारे मोबाइल फोन आते हैं, सारे मोबाइल फोन को लॉक अनलॉक करने का तरीका हम लोगों ने क्या किया हुआ है, सीखा हुआ है। यहाँ पर PO आगा पोको, जो भी आप पोको का मॉडल लेना चाहो ले सकते हो। ठीक, तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आज हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से, अनलॉक टूल के माध्यम से रियलमी का मोबाइल फोन को कैसे लॉक खोला है, इसका हम लोगों ने प्रैक्टिकल बना करके आपको दिया हुआ है। और इसी के माध्यम से आप लोग जितने भी सारे मोबाइल फोन आते हैं, सारे मोबाइल फोन को लॉक खोलने का तरीका यूज कर सकते हो और सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग कर सकते हो। ठीक है।